अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, निरपेक्ष ज्ञान योग। तो आपने जैसे कि माता जी ने आपको पढ़ाया है, छह अध्याय जो हैं, पहले जो भगवद गीता के जो छह अध्याय हैं वो कर्म योग प्रधान है, जिसमें कि कर्म के बारे में जो है ज्यादातर भगवान बताते हैं। लेकिन जो अध्याय 7 से लेके जो 12 अध्याय हैं ये भक्ति योग प्रधान, इसमें वास्तव में भगवान बताते हैं भक्ति के बारे में। मतलब इस अध्याय, इन 5ों अध्याय में भगवान हमें बताएंगे कि कैसे हमें, हमारी जो है भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ सकती है ना, हमारा कैसे जो है भगवान के प्रति और जो है उनके प्रति और ज्यादा जो है जो आसक्ति जो है हमारी बढ़ सके। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो जो होती है उसको एकदम बीच में रखते हैं ना, तो जैसे उदाहरण में आपको दूं, जैसे क्रीम के जो बिस्किट होते हैं आपने देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो बिस्किट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्रीम के बिस्किट क्यों बोला जाए, तो किस क्रीम के लिए, जो क्रीम क्या है वो दोनों बीच में, तो वैसे ही ऐसा बोला जाता है कि जो भगवद गीता का जो अध्याय 7 से लेके जो 12 अध्याय है जिसमें कि भक्ति योग के बारे में भगवान बताते हैं, वास्तव में वो एक तरीके से क्रीम है, जिससे क्या होता है कि हम उसका मेन उद्देश्य ही यही है इन इन 5ों अध्याय का, कि भगवान से हमारी आसक्ति और ज्यादा बढ़ सके। तो इस अध्याय की हम लोग शुरुआत करते हैं। श्री भगवान उवाच, मया सत्त मना पार्थ योगम युञ्जन्तम् आश्रय असंशयम् समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, आप सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। देखिए, आपने कल के अध्याय में देखा होगा कि कल जो है भगवान ने हमें ये बता दिया कि सर्वोच्च योगी कौन है। तो सर्वोच्च योगी भक्ति योगी है, यही भगवान का जो है मत था। कल के अध्याय में आपने ये देखा होगा, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अब तुम मुझसे सुनो कि मुझ में आसक्त अपने आप को कैसे कर सकते हो। जब मुझ में अपने आप को आसक्त कर लोगे तो क्या होगा, पूर्णतया संशय रहित मुझे जान पाओगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आपने इस पे ध्यान दिया होगा, अभी तक जो भी आप अध्याय देखते आ रहे हैं पिछले, उसमें क्या था, उसमें अर्जुन प्रश्न पूछते थे, उसके बाद भगवान जो है उसका उत्तर देते। लेकिन इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न पूछने का इंतजार ही नहीं किया, सीधे ही इस अध्याय के बारे में यानी कि इस ज्ञान के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण बात होगी जो कि भगवान ने बिना इंतजार किए अर्जुन के प्रश्नों का ये अध्याय जो है शुरू कर दिया। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस श्लोक की, तत्क्षणु। तत्क्षणु यानी कि सुनो, तुम मुझसे सुनो, अब सुनो। देखिए, आपने पढ़ा होगा इसमें, जैसे माता जी ने आपको बताया होगा कि जो भक्ति की जो सबसे सरल विधि है वो क्या है, सबसे पहली चीज है वो श्रवण, श्रवण करना यानी सुनना। तो कोई भी सिर्फ श्रवण मात्र से भगवान को सरलता से जान सकता है, और किसी किसी की भी उनके प्रति क्या है, आसक्ति बढ़ सकती है, किससे, सिर्फ सुनने मात्र से। तो भगवान यहीं पे ये चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि सिर्फ मैं तुम्हें जो अभी सुना रहा हूं, उससे सुनने से क्या होगा, तुम मुझे पूर्णतया संशय रहित जान। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। तो हम लोग इन सारे विषयों पर जो है आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारे विषय जो है भगवान इसमें हमें डिटेल में बताएंगे। अब मैं तुम्हें
अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य विज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहे। देखिए, वास्तव में होता क्या है कि यहाँ भगवान बता रहे हैं पूर्ण रूप, है ना। पूर्ण रूप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान पूर्ण है। ब्रह्मा जी बताते हैं, ब्रह्म संहिता में अपनी प्रार्थनाओं में लिखते हैं वो, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिद आनंद के भगवान के हैं, विग्रह है, पूर्ण है। तो सत मतलब कि पूर्णतया शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञानी, और आनंद यानी कि पूर्ण आनंद के, परम आनंद के स्रोत। तो भगवान ही जो है क्या कर सकते हैं, हमें पूर्ण रूप से व्यवहारिक ज्ञान या फिर दिव्य ज्ञान के बारे में बता सकते हैं। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक ज्ञान कहूंगा। तो वो जो ज्ञान है, अब भगवान परिपूर्ण है, तो भगवान से, भगवान के श्रीमुख से जो ज्ञान भी निकलेगा वो भी कैसा होगा, वो भी पूर्ण होगा। इसलिए बोला जाता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आपने सुना होगा, तो ये ईशोपनिषद में ये बोला जाता है कि भगवान के हैं पूर्ण है, तो उनसे निकलने वाली जितनी भी चीजें वो भी क्या होती है, हमेशा परिपूर्ण होती है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग क्या पूर्ण ज्ञान देने योग्य है या समझने योग्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में आता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर चार दोष पाए जाते हैं, और उन चार दोषों की वजह से हम लोग जो है पूर्ण व्यवहारिक दिव्य ज्ञान बोलने के लिए क्या है, सक्षम नहीं है। हमारी बुद्धि इतनी जागृत नहीं है। वो कौन से चार दोष है? पहला दोष कि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा गलतियां करते हैं, तो हमसे हमेशा गलतियां हो ही जाती है, हम लोग परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमेशा हमारे अंदर ये दोष बना रहता है। दूसरा दोष है हमारे अंदर कि हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है, हमारे सेंसेस जो है वो फुल पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। जैसे उदाहरण में देता हूं, आपकी आंखें, तो हम लोग के पास आंखें हैं लेकिन अंधेरे में हम लोग नहीं देख पाते। अगर एक डार्क रूम कर दिया जाए तो हमें बहुत मुश्किल होगा कि हम लोग देख पाए उन चीजों को, लेकिन हमारे पास आंखें हैं, लेकिन कैसी है फिर? वो अपूर्ण है। इंद्रिया हमारी कैसी है? अपूर्ण है। तीसरी चीज है कि हम लोग धोखा देते हैं, तो हम लोग स्वार्थी हैं, हमेशा हमारा स्वभाव ही है धोखा देना, कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव में है ये, इसलिए हमें स्वीकार करना ही है। चौथी चीज ये कि हम धोखा खाते हैं, तो दूसरे तो धोखा देते ही देते हैं, साथ ही साथ जो हमारी इंद्रिय है स्वयं की, वो भी हमें धोखा देती है। आपने मृत तृष्णा देखा होगा, तो कहीं पे भी लोग, जब अगर आप देखेंगे भीषण गर्मी में जाएंगे तो दूर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि आग की लपटें ऐसी लगेगी जैसे पानी है एक रोड में। वो क्या हो रहा है? हमें धोखा, हमारी आंखें ही धोखा दे रही है हमें। तो इसका मतलब ये कि इन चारों दोषों की वजह से क्या हो सकता है, क्या होता है कि हम लोग कभी भी सक्षम नहीं होते हैं कि हम लोग इस व्यवहारिक दिव्य ज्ञान को समझ सके पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से, और बोल सके। लेकिन अगर हम लोग इसको सुनेंगे किससे? जो भगवान है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, तो भगवान के मुख से जो ज्ञान निकल रहा है वो भी कैसा होगा, पूर्ण होगा। तो अगर हम लोग उसको सुनेंगे तो हमें भी क्या होगा, हमारी भी पूर्णता का एहसास होगा। और भगवान इसे बोले नहीं कि इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रह पाएगा। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि एक प्रश्न पूछ सकते हैं लोग कि अच्छा, भक्ति इतनी सुंदर है, भक्ति इतनी सुगम है, सरल है, इतनी महान है, तो फिर सारे लोग भक्ति क्यों नहीं करते? तो सारे लोग भक्त क्यों नहीं बनते? तो उसके उत्तर में भगवान बता रहे, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यदति सिद्धे यत तामपि सिद्धानां कश्चित मामेति तत्वतः। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई कुछ मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान बता रहे कई हजारों में से कोई एक ही होता है जो सिद्धि प्राप्त कर पाता है। तो आपने भी देखा होगा, अभी का उदाहरण मैं देख लेता हूँ। जैसे मुझे पता चला कि स्टार्टिंग में यहाँ पे इस कक्षा में बहुत सारे जो है भक्तों ने रजिस्टर किया होगा, मान लो कुछ हजार लोगों ने रजिस्टर किया होगा, उन हजार में से कुछ ही लोगों ने जो है पहली कक्षा ज्वाइन की, 100 लोगों ने ज्वाइन की मान लो,
है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि उस उन 100 में से भी अभी क्या है, कुछ 35-36 लोग जो है वो इस कक्षा को अभी भी जो है कंटिन्यू कर पा रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम पे शायद इतने ही लोग जो है वो कंटिन्यू कर पाए या इससे कम हो जाए। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे ही होगा, उसका कारण क्या है? इसका कारण आने वाले 2 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो इस ज्ञान को समझने का प्रयास कर पाते, और जो प्रयास कर जाते हैं वही क्या कर पाते हैं, कंटिन्यू इस ज्ञान को समझ पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब क्रॉस कंट्री मैराथन होता है, मैराथन में क्या होता है, पूरा शहर भाग लेता है और भी अनेक शहरों जो है आते हैं उसमें, शहरों से लोग आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें क्या होता है, जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से कुछ ही लोग भागते हैं और कुछ ही में से कोई एक ही होता है जो कि उस जो है मैराथन को जीत पाता है। तो कोई विरला ही होता है, क्या करता है भगवान बोल रहे कि मुझे वो वास्तव में जान पाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अब आप लोग यहाँ पे अपने आपको इस उस पे रख के देख सकते हैं कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आप उन हजारों में से हैं जो कि इसको समझने का प्रयास करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। परंतु एक सवाल, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे मन में आता है कि क्या ऐसा क्यों होता है, ऐसा ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोग जान पाते हैं, कुछ ही लोग समझ पाते हैं, उसमें से कोई एक ही है जो है कि पूरी पूर्णतया जो है इस चीज को समझ पाता है, ऐसा क्यों? तो उसके उत्तर में भगवान बोलते हैं 7.4 और 5 में, भूमिरा पौन वायु मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। और आगे बताते हैं भगवान, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त तो मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवान ने 2 शक्तियों के बारे में बताया अपनी। पहली शक्ति जो कि अपरा कहलाती है, अपरा शक्ति है क्या, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, और पराशक्ति है भगवान बोल रहे जीव जो कि सोल। तो आपने दूसरे अध्याय में पढ़ा होगा सोल के बारे में, आत्मा के बारे में, तो जो हमारा जो शरीर है जो आत्मा है, तो आत्मा वास्तव में क्या है, आत्मा जो है वो 2 शरीरों से ढका हुआ। पहला जो शरीर है जो कि आप देखते हैं जिसमें कि चमड़ी है, ठीक है, जिसमें कि ब्लड सर्कुलेशन होता है, वेन्स देख रहे हैं आप नसें, ये जो शरीर है ये कहलाता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर किससे मिलके बना होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इसके पीछे होता है एक और शरीर जिसको बोला जाता है सूक्ष्म शरीर जो कि बना होता है मन बुद्धि और अहंकार से। तो ये जो 5 और 3 8 ये क्या है, भगवान की शक्तियां हैं, इससे 2 शरीर बनते हैं, एक तो स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, और ये ढके रहते हैं किसको, आत्मा को, जो कि सबसे लास्ट में। तो होता क्या है कि जब जीवात्मा यानी कि जो आत्मा है वो इन 5 वस्तुओं के संपर्क में आती है, जब शरीर के संपर्क में आती है, तो क्या होता है, वो अब अपने अपने आप को क्या मानने लगती है, शरीर मानने लगती है, वो भूल जाती है कि वो क्या है, आत्मा है, वो भगवान का अंश है, वो ये सब भूल जाती है, वो क्या मान बैठती है कि वो भी एक शरीर है। और इससे क्या होता है कि जो भी संसाधन होते हैं इस भौतिक संसार के, उसको भोगने के लिए, उसका भोग करने के लिए वो बाध्य हो जाती है। ऐसा कैसे होता है, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि एक चील, चील का जो बच्चा है, चील का स्वभाव क्या है कि वो बादलों से भी ऊपर उड़ता है, लेकिन चील के बच्चे को अगर आप चूजों के बीच में, जो मुर्गी के जो बच्चे उनके बीच में रख देंगे, तो चील के बच्चा भी क्या करता है, एक समय के बाद भूल जाएगा कि वो क्या है, चील है, वो चील का बच्चा है, वो ये भूल जाएगा कि उसका स्वभाव तो बादलों से भी ऊपर उड़ना है, वो उड़ना ही भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या क्या लगता है कि वो भी क्या है, चूजा ही है, किनके जैसा, उन सारे मुर्गियों के बच्चों के साथ। ठीक उसी प्रकार जब जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है तो वो भूल जाती है
कि क्या है, वो भगवान का अंश है, भगवान की पराशक्ति है, और अपने आप को इस शरीर मान के, अपराशक्ति मान के क्या करने लगती है, इस भौतिक संसाधन में जो भी इस भौतिक संसार में जो भी भौतिक संसाधन है उनका भोग करने के लिए लग जाती है। तो यही कारण है कि व्यक्ति क्या करता है, भगवान की शरण में नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि वो भोग करने में लगा रहता है, क्योंकि वो अपने शरीर को, वो अपने आप को क्या मान के बैठा रहता है, शरीर मान के बैठा है। और जब शरीर मानेगा तो शरीर की आवश्यकताएं, शरीर की जो भी जितनी भी शरीर में इंद्रियां हैं उनको तुष्ट करने में, भोग करने में लगा रहे, और कभी भी भगवान की भक्ति में नहीं लगा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी प्राणी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, वो सिर्फ इन दोनों शक्तियों से मिलकर बने हुए, परा और अपरा। तो जो भी हम लोग देखते हैं, भौतिक भौतिक संसार है, आध्यात्मिक जगत है, जो भी हो, वो सब क्या, भगवान बोले उसकी उत्पत्ति और उसका प्रलय मुझे ही जानो। आने वाले अध्याय में भगवान बताएंगे 9वें अध्याय में कि सृष्टि भी मेरी इच्छा से होती है और विनाश भी मेरी इच्छा से। और इस चीज की पुष्टि भगवान क्यों, कैसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई सत्य, मत्ता परतरम न, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, मैं ही परम सत्य हूं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। और भगवान उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग सब जितने भी प्राणी है संसार में भगवान पे आश्रित है। कैसे? जैसे कि आपने मोतियों की माला देखी होगी। मोतियों की माला क्या है? मोतियों की माला, इतने सारे मोती होते हैं कि हम लोग उसके आधार को देख नहीं पाते। उसका आधार क्या है? उसका आधार है धागा। वो किस पे टिका हुआ है? धागे पे टिका। अगर वो धागा काट दिया जाए तो मोती क्या है, सारे बिखर जाएंगे। वैसे ही हम लोग भी है, हम लोग क्या है, उन मोतियों जैसे हैं, और धागा क्या है, आधार क्या है, वो है भगवान। और अगर हमारा संबंध भगवान से टूट जाता है तो हम लोग क्या है, क्या करते हैं, इस संसार में दुख जो है वो झेलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार क्या है, ये संसार है दुखाल है। भगवान बताते हैं कि ये जो पूरा संसार है ये दुखाल है, शाश्वत है। दुखालय मतलब क्या होता है? दुखालय जैसे आपने सुना होगा, पुस्तकालय हिमालय, पुस्तकालय यानी पुस्तकों का घर, हिमालय यानी हिम का घर, हिम यानी बर्फ का घर, तो दुखालय यानी दुखों का घर। अशाश्वतम, अशाश्वतम यानी कि यहाँ जितने भी मिलने वाले जो सुख है, जो हैप्पीनेस है, वो सब कैसी है, टेम्पररी है, अशाश्वत, क्षणिक है। तो यहाँ पे हम लोग दुख झेलते ही रहेंगे अगर हम लोग अपना संबंध भगवान से नहीं। तो इसलिए भगवान, क्योंकि इस चीज की पुष्टि किसने की है, भगवान ने की है कि जिस प्रकार से मोती जो है धागे पे आश्रित रहते, वैसे ही हम लोग किस पे आश्रित है, सब भगवान पे ही आश्रित है। तो जब भगवान सब जगह पे है तो फिर हम लोग उनकी अनुभूति कैसे करें? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे दिमाग में कि चलो हम लोग अनुभूति करना है हमें, तो हम लोग कैसे करें उस, तो उसके लिए भगवान बताते हैं, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दख्ये पौरुषं नृषु। हे कुंतीपुत्र, मैं जल का स्वाहा हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो देखिए यहाँ पे भगवान बताना क्या चाह रहे हैं, भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि हर एक चीज का एक विशेष गुण होता है। तो उस विशेष गुण से भगवान बता रहे हैं कि हम लोग उनकी अनुभूति कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे भगवान ने बताया कि मैं जल का स्वाद हूँ। तो जल का स्वाद अगर कोई व्यक्ति से, अगर आप पूछोगे नॉर्मल व्यक्ति से, तो नहीं, उस वो नहीं बता पाएगा स्वाद। लेकिन गर्मियों में, भीषण गर्मी में जिसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, अगर आप उसको पानी पिलाते हैं तो वो आपको जो है क्या बताएगा, जल का स्वाद। तो वो जो जल का स्वाद है जिससे कि तृप्ति मिल रही है, वो क्या बता रहे हैं भगवान, उससे भगवान बोल रहे हैं कि हाँ, उससे मेरी अनुभूति तुम कर सकते हो, क्योंकि वो मुझी से है, वो मैं ही हूँ। सूर्य और चंद्रमा का क्या है, प्रकाश। तो जो प्रकाश हम लोग रोज सुबह से देखते हैं, सूर्य का,
फिर शाम में जब भी चंद्रमा निकल के आता है वो, तो उस प्रकार से हम लोग भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि वो विशेष गुण है सूर्य और चंद्रमा के। वैदिक मंत्र जितने भी हम लोग वैदिक मंत्र देखते हैं वो किससे शुरू होता है, ओम से शुरू होता है। तो भगवान बता रहे उससे हम लोग अनुभूति कर सकते हैं भगवान की ओंकार, क्योंकि वो मैं हूँ। आकाश में ध्वनि, तो जो हम लोग बोल पाते हैं, लोग एक दूसरे की बातें जो सुन पाते हैं, वो कैसे संभव हो पाता है, उससे हम लोग भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। और मनुष्यों में सामर्थ्य यानी कि हर मनुष्य के अंदर जो सामर्थ्य होता है वो क्या होता है, वास्तव में भगवान से ही आता है। हम लोग क्या करते हैं, झूठे अहंकार में ये सब चीजें मान बैठते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तीसरे अध्याय में आपने पढ़ा होगा, भगवान ने बताया है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्म कर्ता राम कुंडल। प्रकृति ही सारे कार्य कर रही है, हम लोग अहंकार वश अपने आप को ये सब मान के बैठ जाते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन हम सब कुछ कर रहे हैं तो सामर्थ्य कहाँ से आ रहा है? भगवान बोल रहे हैं मनुष्यों में सामर्थ्य में है, सामर्थ्य कहाँ से आ रहा है? वो भगवान से आ रहा है। तो वहां से हम लोग, हमारी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, जो भी जितना भी सामर्थ्य हमारे अंदर है वो कहाँ से आ रहा है, उससे हम लोग भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। उसी चीज में भगवान आगे बढ़ाते हैं कि जो स्वाद है, पानी का स्वाद से हम लोग अनुभूति कर सकते हैं। चांद और सूरज का विशेष गुण उनकी रोशनी है, उससे अनुभूति कर सकते हैं। सारे वैदिक मंत्रों में ओमकार जो है वो आता ही है, उससे हम लोग अनुभूति कर सकते हैं। आकाश में ध्वनि से अनुभूति कर सकते हैं, आदमी में योग्यता से, पृथ्वी में सुगंध से। सुगंध से तो जैसे आपने देखा होगा बारिश के मौसम में, जब बारिश आती है तो पृथ्वी से एक अलग ही प्रकार की जो है सुगंध निकल के आती है। वो सुगंध कहाँ से आ रही है, उससे हम लोग अनुभूति कर सकते हैं भगवान की। आग का जो है सबसे विशेष गुण होता है उसके तप, उसकी तपिश, उससे हम लोग जो है अनुभूति कर सकते हैं। सभी तपस्वी का जो है वो तपस्या जो होती है उससे अनुभूति कर सकते हैं। सभी अस्तित्वों में मूल बीज जो है वो कौन है, भगवान है, उससे अनुभूति कर सकते हैं। बुद्धिमान की बुद्धि जो है कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है, तो उससे अनुभूति कर सकते हैं। सारे शक्तिशाली पुरुषों में जो उसका शक्ति है, उसका जो कौशल है, उससे हम लोग उसकी उससे भगवान से उस विशेष गुण से जो है हम लोग भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु स्वतंत्र हूँ, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं अपितु वे मेरे अधीन है। तो वास्तव में होता क्या है कि हम प्रकृति जो है वो सारे कार्य करती है। जैसे अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति सारे कार्य करती है, लेकिन क्या प्रकृति स्वयं अकेले कार्य करती है ये सब? नहीं। नवे अध्याय में भगवान बताते मयाध्यक्षेण प्रकृति, कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति है वो बनाई गई है किसके कारण, किस किसकी वजह से? वो भगवान की इच्छा से प्रकट हुई है। और जो कार्य किया जा रहा है वो किसके कारण से किया जा रहा है? भगवान की अध्यक्षता में रहते हुए कार्य किया जा रहा है, भगवान के आदेशों पर जो है कार्य किया जा रहा है। लेकिन फिर भी भगवान क्या बोला ने कि सब कुछ मेरे से ही निकल रहा है, सारी चीजों का कारण मैं ही हूँ, फिर भी क्या हूं, मैं इन सबसे स्वतंत्र हूँ, मैं इनमें बंधा हुआ नहीं हूँ। जिस प्रकार से हम लोग बद्ध हैं, हम लोग बंधे हुए हैं, उस प्रकार से भगवान बंधे हुए नहीं है। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं गुणों से ऊपर हूँ, मैं गुणाधीश हूँ, गुणों का स्वामी हूँ, गुणों का अधीश हूँ। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग गुणों के अंडर कार्य कर रहे हैं। सारे कार्य कौन करा रहा है? प्रकृति के तीन गुण करा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे 14वें अध्याय में भगवान डिटेल में बताएंगे सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में। अभी हम लोग सिर्फ इतना जान लेते हैं कि जो व्यक्ति जिस गुण में होता है वो गुण उससे वो कार्य कराता है। तो हम लोग कार्य नहीं करते, वास्तव में हमारे गुण हमसे कार्य करते। वही गुण क्या कहलाते हैं? वही गुण है माया, जो कि हम लोग बोलते रहते हैं ना कि माया के चंगुल में हम लोग फंसे हुए हैं। तो वो ही है कि प्रकृति के, जब भी हम लोग शरीर के संपर्क में आते हैं तो प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं, इन तीनों गुणों के संपर्क में आ जाते हैं, यानी कि माया के संपर्क में आ जाते हैं। तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जान पाता। और हम लोग क्या है, इतना ज्यादा इनसे मोहग्रसित हो जाते हैं कि हम लोग ये जान ही नहीं पाते कि भगवान जो है वो गुणातीत और अविनाशी है। इससे जानने से होगा क्या? तो आपने देखा होगा ना चौथे अध्याय में कि सिर्फ जानने मात्र से क्या हो सकता है, हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं।
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्व त्यक्त्वा देहं गुण पुनर्जन्म नैति मामेति सुमति। भगवान हम बता चुके हैं कि अगर तुमने सिर्फ ये जान लिया कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, बस इससे जानने मात्र से तुम कभी भी इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लोगे, लौट के नहीं आओगे, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, तुम मेरे धाम को यानी मुझे प्राप्त। तो इसलिए भगवान ये चीज बोल रहे हैं, क्यों नहीं हम कर पाते ये, क्योंकि हम लोग इन तीनों गुणों में बंध जाते हैं, और जब व्यक्ति इन तीनों गुणों में बंध जाते हैं तो वो व्यक्ति मोहग्रसित हो जाता है, वो व्यक्ति भूल जाता है कि वो आत्मा है, वो भगवान का अंश है, और ये सब भूलने के कारण क्या होता है कि वो भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मे ताम तरन्ति ते। अभी भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इस पार कर लेते हैं। देखिए माया, आपने सब सुना होगा कि माया में हम लोग फंसे हुए हैं, माया में हम लोग फंसे हुए हैं, तो वास्तव में वो माया है क्या, उसी के बारे में भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं। वास्तव में ये चीज भगवान भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि वो माया भगवान की ही शक्ति है, लेकिन भगवान भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। मतलब हम लोग सोचे कि हम लोग इसको आसानी से पार कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं, असंभव। भगवान स्वयं इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि इसे पार कर पाना कठिन है, लेकिन अगले ही लाइन में भगवान उदाहरण भी दे, भगवान उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं, मामे वही प्रपद्यन्ते माया में काम करते, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर देंगे। देखिए होता क्या है कि जो माया है वो किसकी शक्ति है, वो भगवान की शक्ति है, तो भगवान जितने पावरफुल है उतनी पावरफुल माया शक्ति भी है, लेकिन बस ये है कि जो माया है वो किसके अधीन कार्य कर रही है, भगवान के, क्योंकि भगवान का एक नाम है मायाधीश, माया के अधीश है वो, माया के भी स्वामी है, माया के भी कंट्रोलर है। तो अब जो कंट्रोलर है, अगर हम लोग उसी की शरण में चले जाएंगे, तो ये जो माया शक्ति है, माया देवी, जो भी क्या करेगी, जो देवी शक्ति है, वो क्या करेगी, हमें परेशान नहीं करेगी, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई दो अंधे व्यक्ति है, अब दोनों अंधे व्यक्ति को रोड क्रॉस करना है, तो क्या वो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों को ही नहीं दिखाई देता है, बहुत मुश्किल है दोनों के लिए रोड क्रॉस कर पाना, कौन करा पाएगा, तीसरा व्यक्ति जो कि अंधा नहीं है वही रोड क्रॉस कर पाएगा। वैसे ही हम सारे लोग क्या है, सारे लोग अंधे हैं, अंधे यानी कि किस में अंधे हैं, इस भोग विलास में अंधे हैं, वो भोग विलास क्या है, वो माया शक्ति है, हम लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो कौन निकालेगा, जो इसमें फंसा हुआ नहीं है, और वो कौन है, वो भगवान है। वैसे ही एक और उदाहरण देता हूं आपको कि अगर सारे व्यक्तियों के हाथ और पैर बांध लिए जाए, एक चेयर पे बिठा दिया जाए और हाथ और पैर बांध दिए जाए, और अब बोला जाए कि अब सब लोग एक दूसरे को छुड़वा लो, क्या क्या पॉसिबल है, सबके हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो एक दूसरे के हाथ पैर हम लोग कैसे खोल सकते हैं, कौन खोल सकता है, वही जिसके हाथ पैर नहीं बंधे, वो कौन है, भगवान। तो हम लोग सारे लोग बंधे हुए हैं माया में, तो हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सब बंधे हुए हैं, मैं बंधा हुआ हूँ, आप बंधे, सारे लोग बंधे हुए, जो नहीं बंधा है वही क्या कर सकता है, इस शक्ति से हमें क्या कर सकता है, पार करने में मदद कर सकता है। और उसके लिए भगवान क्या बता रहे कि मेरी शरणागत आ, मेरी शरणागत ले ली, और एक बार मेरी शरणागति ले ली तो क्या होगा, इसे सरलता से पार कर जाऊंगे, तो कोई कठिनाई नहीं होगी, किसी तरीके का डिस्ट्रेक्शन भी नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे भगवान, क्यों, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि ये जो माया शक्ति है, माया देवी है, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रबल है, अगर हमने थोड़ा सा भी अगर गलती की कोई सी भी, तो क्या होगा, हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो अंधकार में या अज्ञानता में डूबते चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है, इतना आसान नहीं है कि इससे हम लोग छुटकारा पा लें। तो जैसे ही हम लोग भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान स्वयं क्या करते हैं, हमें इस भवसागर से निकालने के लिए आते हैं, जिससे हमारे लिए आसान हो जाता है क्या करना, इस शक्ति से
इस शक्ति को पार कर। अब भगवान जो है वो चार व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो कि भगवान की शरण ग्रहण कभी नहीं करते। कौन से चार व्यक्ति हैं, चार प्रकार के? नमाम दुष्कृति नमो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्ति प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर। तो चार प्रकार के लोग बताए। तो अगर आप पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य, तो उन्होंने इन चारों प्रकार के व्यक्तियों को जो है वो डिटेल में जो है बताया कि कैसे होते हैं चार प्रकार के व्यक्ति। तो मैं आपको बताता हूँ, जो निपट मूर्ख है पहले, तो निपट मूर्ख कौन है? जो सब अपने आप को क्या कहता बताते हैं, हमेशा सो कॉल्ड बिजी बताते हैं, वो होते हैं निपट मूर्ख। जो गधे जैसे दिन रात काम करते रहते हैं, सिर्फ क्या करने, किस लिए? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। उनके उनको पता है भगवान है, लेकिन वो कभी भी भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, या भगवान को कभी भी नमस्कार भी नहीं करते। उनको उनका क्या स्टेटमेंट होता है कि वो बिजी है, उनके पास समय नहीं है। तो जैसे गधा होता है, गधा क्या करता है? गधा रात को जो उसका मालिक उसे थोड़ा सा जो खाना देने वाला है, चारा देने वाला है, उस चारे की इच्छा में, उस चारे को पाने की इच्छा में क्या दिन भर काम करता रहता है। और होता क्या है, वही थोड़ा सा मिलता है और वो उस खा के सो जाता है। वैसे ही जो निपट मूर्ख होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ चंद पैसों के लिए पूरा दिन बिजी रहते हैं, पूरा दिन गधे जैसा काम करते रहते हैं, और अंत में मिलता क्या है, कुछ नहीं। तो मृत्यु सर्व हरिष्यामी, भगवान बताते हैं कि मृत्यु सब कुछ हर लेगा विद इन अ सेकेंड, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये चीज नहीं पता लोगों को, वो चीज पे ध्यान भी नहीं देना चाहते, वो लगे रहते हैं दिन रात इस कार्य को करने में। दूसरे हैं जो मनुष्यों में अधम है। तो ये क्या है, ये जो निपट मूर्ख है उनसे थोड़ा सा ऊपर है, मतलब ये गधे जैसा काम तो नहीं करते, ये अपना जो है वो ऐशो आराम वाला जीवन जीते, लेकिन फिर भी भगवान की शरण ग्रहण। क्यों? क्योंकि वह ऐशो आराम है, गधे ऐसा काम नहीं कर रहे। जैसे इसमें कैसे इस उदाहरण आ जाता है कि जो राजनेता है ना, नेता लोग जो होते हैं, वो इतना गधे ऐसा काम नहीं करते। सेलिब्रिटीज जो है वो इतना गधे ऐसा काम नहीं करते, अपना आराम से जीवन जीते, उनके पास सब सुख सुविधा होती है, लेकिन फिर भी वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। वो मनुष्यों में अधम है। उसके बाद आता है जिनका माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया है। तो यहाँ कौन आते हैं? यहाँ आते हैं कुछ वैज्ञानिक, कुछ फिलोसोफर्स, कुछ कवि। ये क्या करते हैं, ये अपनी ही कल्पनाएं करते रहते हैं, ये भगवान पे जो है सब कुछ मानते हैं, लेकिन कभी भी शरण ग्रहण नहीं करते। कुछ 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 है, ऐसे नहीं, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि भगवान के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, बताते हैं, लेकिन कुछ हैं जिन जो कि बिल्कुल ही अपने ज्ञान में क्या हो गए, बन चुके हैं। वो आते हैं जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया। और अंत में ऐसे लोग जो कि भगवान के अस्तित्व को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते, तो असुर लोग, नास्तिक लोग क्या करते हैं, वो मानते ही नहीं कि भगवान, तो वो भी क्या है, वो भी कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं। तो ये चार प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि क्या करते हैं, भगवान के कभी भी शरण ग्रहण नहीं करते। लेकिन चार प्रकार के ऐसे भी व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, भगवान की जो है शरण ग्रहण करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, सुकृति लोग। इससे पहले आपने देखा होगा दुष्कृति लोग, जो कि गलत कार्यों में लगे रहते हैं, दुष्कृति लोग, ठीक है। और जो सुकृति लोग यानी कि पुण्यात्मा है, जो कि अच्छे कार्य करते हैं। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्त जिज्ञासु आर्तार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो जो सुकृतिनो है यानी कि चार प्रकार के ऐसे पुण्यात्मा है जो कि क्या करते हैं, भगवान की सेवा ग्रहण करते हैं, वो कौन है? भगवान बताते हैं आर्त जिज्ञासु आर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्त मतलब वो जो पीड़ित है, पीड़ित मतलब कि जो दुखी रहते हैं, मतलब कि मान लो कोई बीमार हो गया, किसी के घर हमेशा दुख ही दुख हो रहा है, ऐसे लोग भगवान की जो है शरण ग्रहण करते हैं। जिज्ञासु, जिनके अंदर परम जिज्ञासा होती है भगवान को जानने की, अस्तित्व को जानने की, हमारे हम क्यों यहाँ पे लाए गए, वास्तविक सुख कहाँ मिलेगा, तो ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, तो ये सब जिज्ञासा प्रकट जिसके अंदर होती है, वो भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं।
अर्थार्थी जिन्हें पैसे की धन की आवश्यकता होती है वो भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और ज्ञानी जिनको वास्तव में पहले से ही ज्ञान है भगवान के बारे में फिर भी उन्हें और जानने की इच्छा जो है उनके अंदर रहती है, तो वो क्या है, वो भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो ये जो सारे लोग हैं ये विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं, शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती, लेकिन इन तीनों से भी, इन चारों से भी ऊपर कौन होते हैं, शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके की इच्छा नहीं होती, फल की इच्छा नहीं होती, कि किसी इच्छा से वो भगवान के पास नहीं जाते, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। वो ये मान के जाते हैं कि हम भगवान का अंश है और हम भगवान से अलग नहीं रह पाएंगे, इसलिए जाए क्या 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 करते हैं वो, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो वो निष्काम हो जाता है, उसमें कोई फल की इच्छा नहीं होती। तो ये चार प्रकार के हैं जो कि भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। अब आप खुद अपने आप को इन चारों कैटेगरीज में देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में आप लोग आते हैं, कि आप किस लिए भगवान की जो है वो शरण ग्रहण कर रहे हैं। तो यह उदाहरण हम लोग देखते हैं, शास्त्रों में कुछ उदाहरण आते हैं कि सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष, तो एक राजा थे इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। क्या होता है कि उनके कुछ अच्छे कार्य नहीं होते तो इसलिए उनको अगला जन्म जो है वो हाथी का मिल जाता है, गजेंद्र का। तो उस हाथी के तो क्या होता है, हाथी अपने झुंड में हमेशा जाते हैं, तो वो एक समय पे उन्हें प्यास लगती है, तालाब पे जाते हैं अपने झुंड के साथ में। तालाब में क्या करता है कि एक मगरमच्छ उनके ऊपर क्या कर देता है, हम कर देता है। और गजेंद्र क्या करते हैं, फिर स्तुति करते हैं भगवान की। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो वो अलग अलग प्रकार से जो है भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान स्वयं आके उनकी रक्षा करते हैं। तो ये कौन सा कैटेगरी है, ये आर्थ कैटेगरी, क्योंकि पीड़ित पीड़ा में थे ये, और उन्होंने क्या किया, भगवान को पुकारा और भगवान ने क्या किया, उनकी रक्षा की। वैसे द्रौपदी, द्रौपदी पीड़ा में थी, उनने भगवान को पुकारा, भगवान ने रक्षा की। वैसे यहाँ पे जो तीसरी फोटो में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे व्यास देव जी और उनकी पत्नी है, तो उनकी पत्नी के गर्भ में जो है बच्चे थे, सुखदेव गोस्वामी जी थे जो आप इस फोटो में देख रहे हैं। तो वो निकलना ही नहीं चाह रहे थे, इस संसार में नहीं आना चाह रहे थे, तो बहुत तकलीफ हो रही थी, कई साल हो गए थे। तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए क्या किया उन्होंने, भगवान को उस तकलीफ को दूर करने के लिए भगवान की जो है उन्होंने प्रार्थना की, भगवान आए और उन्होंने क्या किया, भगवान ने उनकी रक्षा की, भगवान की शरण ग्रहण की उन्होंने। यहाँ पे हम आप देखते हैं जिज्ञासु, तो जो जो हमारे जितने भी जो शास्त्र है ना, वास्तव में वो जिज्ञासा करने के ही कारण हमारे तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज जो है वो क्या करते हैं, वो जिज्ञासा करते हैं। तो उन्हें जैसे ही पता चलता है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनकी जिज्ञासा होती है कि वो भगवान के बारे में जाने, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में जाने, उनकी प्रकृति के बारे में जाने, कैसे उन्होंने सृष्टि की, कैसे उन्होंने इस संसार को बनाया, ये सब के बारे में जाने। तो वो जिज्ञासा के कारण से क्या किया उन्होंने, भगवान की शरण ग्रहण की, परीक्षित महाराज। वैसे ही ध्रुव महाराज क्या क्या था, ध्रुव महाराज ने क्यों भगवान की शरण ग्रहण की, तो जब ध्रुव महाराज क्या थे, बच्चे जब छोटे बच्चे के रूप में जब वो थे, तो उन्होंने क्या किया था कि उनके जो पिताजी है, उनकी जो सौतेली माता है थी, वो उनको प्यार नहीं कर रही थी, है ना, और उन्हीं के कारण से जो है उनकी जो माँ थी उनको सही से सुखपूर्वक जो है उस महल में आदर नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने निर्णय लिया था कि वो कैसे भी करके एक अपना अलग राज्य बनाएंगे जिसमें कि वो अपनी माँ को सुखपूर्वक रख सके। तो वो अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से पूछते हैं कि ये सब चीजें मुझे कौन देगा, तो माँ बोलती है कि नारायण दे सकते हैं, तो जाओ नारायण को ढूंढो। तो माँ को पूछते हैं वो नारायण कहाँ है, तो माँ बोल देती है इसी मजाक में कि जंगल में है, तो वो चले जाते हैं। तो देखिए वो किस इच्छा से निकले थे, वो इच्छा से निकले थे कि उन्हें एक राज्य चाहिए, यानी कि वो आर्थार्थी, उन्हें धन की आवश्यकता थी। तो उस धन की आवश्यकता के लिए वो क्या करे, उन्होंने नारायण को ढूंढने के लिए निकले, भगवान को ढूंढने के लिए निकले जंगल में, और जब तपस्या की, शुद्ध हुए, तो भगवान ने दर्शन दिए, भगवान ने बोला अब तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो उन्होंने क्या किया, वो सब कुछ भूल गए और उन्होंने बोला कि मैं तो आपसे कुछ कांच के टुकड़े मांगने आया था, लेकिन अब मुझे साक्षात आप हीरा मिल गया है, आप तो अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया, उनकी इच्छा पूरी की और उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया। तो ध्रुव महाराज किस में आ जाते हैं, आर्थार्थी में आ जाते हैं। वैसे ही जो सुग्रीव थे, उनको भी अपना क्या चाहिए था,
उन्हें भी अपना राज्य चाहिए था और अपनी धर्म पत्नी चाहिए थी, तो उन्होंने भी क्या किया, भगवान की शरण ग्रहण की। और ऐसे ही आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि नैमिषारण्य में क्या किया था, सारे ऋषि मुनि बड़े बड़े जो इकट्ठे हुए थे भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने के लिए, तो वो क्या है, वो सब ज्ञानी है, फिर भी उन्होंने क्या किया, भगवान की शरण ग्रहण की। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि शास्त्रों में अलग अलग जो कैटेगरी भगवान बताए हैं हमें, अलग अलग जो है प्रकार के लोग हैं जो कि क्या करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन इनमें से भी जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो कौन है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एव भक्ति विशिष्यते, एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम् स च मम प्रिय। भगवान बताते हैं इनमें से जो परम ज्ञानी है वो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत। तो देखिए ऐसा नहीं है कि भगवान इन चारों को, भगवान ये चारों प्रिय नहीं है भगवान के लिए, तीनों मतलब, ऐसा नहीं है, भगवान के लिए सब कुछ समान है। परंतु वास्तव में होता क्या है कि जो आर्तों हैं, जो पीड़ित होते हैं, पीड़ित का क्या होता है, पीड़ित जाता है क्यों, वह भगवान की शरण ग्रहण करने, क्योंकि वो पीड़ा में है, और मान लो उसकी पीड़ा दूर नहीं होती है तो क्या होगा, वो भगवान को जो है अस्वीकार कर देगा, वो नास्तिक बन जाएगा, वो बोलेगा कि भगवान भगवान कुछ होते नहीं, मैं तो इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, इतने दिन से ये कर रहा हूँ, चढ़ा रहा हूँ, भगवान तो मुझे कुछ दे ही नहीं रहे, मेरी पीड़ा ही नहीं दूर कर रहे, तो वो क्या कर लेगा, वो नास्तिक बन जाएगा। वैसे ही जो अर्थार्थी है, जिनको धन की आवश्यकता है, मान लो उससे धन नहीं मिला, तो वो भी क्या करता है, वो भी नास्तिक बन जाता है, वो बोलता है भगवान पैसा तो दे ही नहीं रहे, मैं इतनी पूजा कर रहा हूँ भगवान की। जो जिज्ञासु है, अगर उसको भी सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उसकी जिज्ञासाएं समाप्त नहीं होती, तो भी वो क्या है, वो भी भगवान की शरीर भगवान के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता और वो भी नास्तिक बन जाता है, क्योंकि उसकी जिज्ञासा समाप्त ही नहीं होती। लेकिन जो ज्ञानी है वास्तव में, वो तो जानता है सब कुछ, तो अगर वो भगवान की शरण ग्रहण करता है तो उसके मन में किसी भी तरीके का क्या होता है, फल की इच्छा से नहीं होता, निष्काम भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है। यानी कि अगर उसके साथ में कुछ बुरा होता भी है तो वो क्या मान के, ये क्या मानता है कि उसके ही कुछ पुराने बेकार कर्म होंगे जिसकी वजह से कि उसे ये फल मिल रहा है, तो भगवान भगवान को धन्यवाद देता है कि वो यहीं तक जो है उसको जो है भगवान ने ये पीड़ा दी। लेकिन अगर उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा होता है तो वो क्या करता है कि ये सब कुछ भगवान की कृपा है, मेरे ऐसे कोई कर्म नहीं है जिससे की वजह से मुझे ये सब, तो ये भाव होता है उसका, इसलिए वो क्या करता है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में भगवान को नकारता नहीं, वो हमेशा भगवान की शरण में बना रहता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा में कार्य करता रहता है। इसलिए वो भगवान क्या बोलते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है, क्यों, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है और वो कभी भी मुझे भुलाता नहीं है, इसलिए वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय और मैं उसके लिए अत्यंत प्रिय है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब होता क्या है कि जो ये ज्ञानी लोग हैं, ये ज्ञानी लोग क्या करते हैं, ज्ञानी लोग क्या करते हैं, अपने ही मनोधर्म से भगवान को सीखने का प्रयास करते हैं, अपने ही मेंटल स्पेकुलेशन से भगवान को सीखने का प्रयास करते हैं। होता क्या है उसमें कि जब कोई व्यक्ति अपने मनोधर्म से सीखने का प्रयास करता है तो उसे क्या लग, भगवान बता रहे हैं उसे क्या होता है कि बहुनाम जन्म नाम अंते, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं क्या करने में, ये जानने में कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो वास्तव में क्या करते हैं ये जो ज्ञानी लोग हैं, धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप नीचे आते हैं, कि मैं पहले बोलते हैं कि मैं आंख नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं, मैं मुंह नहीं हूं, मैं धीरे 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 आते हैं मैं शरीर नहीं हूं, तब उन्हें पता चलता है अच्छा मैं आत्मा हूं। तो इसमें कई जन्म लग जाते हैं, जन्मों जन्मांतर तक, मतलब बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना रहता है, आते रहो आते रहो आते रहो, कई जन्मों बाद उसे पता चलता है अच्छा मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। और जब इसे ये एहसास होता है तब उसे ये एहसास होता है कि अच्छा मैं तो भगवान का अंश हूँ, तब वो भक्ति में लगता है, तब उसे ये ज्ञान प्राप्त होता है कि अच्छा वासुदेव ही सब कुछ है। लेकिन फिर भी इतने सालों के बाद भी भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर वो इस प्रक्रिया में ये सब कुछ जान जाता है तो वो क्या है, वो महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ भी नहीं सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ होता है। लेकिन ये रास्ता क्या है, कठिन है, किससे, भक्ति मार्ग से, कि उसे जन्मों जन्मांतर तक ये चीजें समझ ही नहीं आती, क्योंकि वो क्या करता है अपने खुद के
सीखने का प्रयास करता है, और वो अपने खुद से जब सीखने का प्रयास करेगा तो उसे क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए भगवान ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भगवान ने हमें चौथे अध्याय में बताया कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, तद विद्धि परिणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हमें भगवान के बारे में अगर जानना है तो हमें गुरु साधु शास्त्रों के माध्यम से भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारे लिए आसान हो जाता है उनको जानना, और हमारे लिए इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है। और भगवान कुछ देवी देवताओं के बारे में बताते हैं, जो कि हम लोग क्या करते हैं कि देवी देवताओं की जो पूजाएं कर रहे हैं वो त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, तो उसी चीज को जो है पुष्टि करते हैं भगवान। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वो उसी विशेष देवी देवता की पूजा या भक्ति कर सके। देखिए होता क्या है कि आपने देखा होगा पांचवें अध्याय में बताया है कि जो भ्रम है हमारा वो दूर हुआ है कि भगवान देवी देवता में होता है, देवी देवता भगवान के अंश है। और हम लोग क्या करते हैं कि देवी देवता की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमारी भौतिक इच्छाएं की पूर्ति करना है। जो भी इच्छाएं होती है वो इच्छाएं लेके हम लोग जाते हैं, और वो इच्छाएं उनसे मांगते हैं, वो इच्छाएं हमारी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो हम अल्टीमेटली कर तो रहे भगवान की पूजा, क्यों, क्योंकि वो अंश है इसके भगवान के, लेकिन कैसे कर रहे हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक पेड़ है, पेड़ में अगर आपको बोला जाए कि इसमें फल और फूल कैसे आएंगे, तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, फल में पानी डालने लगेगा, कोई व्यक्ति क्या करेगा, पत्तियों में पानी डालने लगेगा, फूल में पानी डालने लगेगा। क्या वो आए, क्या क्या फल और फूल उस ऐसे ऐसे हम लोग को प्राप्त हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं, असंभव है। क्यों, क्योंकि जो पूरे पेड़ को पोषण मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, जड़ से मिल रहा है। और जो बुद्धिमान होगा वो व्यक्ति क्या करेगा, सीधा जड़ में रोज पानी डालेगा, जिससे उसको पत्ते भी मिल जाएंगे, फूल भी मिल जाएंगे और फल भी मिल जाएंगे। तो वो क्या हो गया, सही ढंग हो गया, त्रुटिपूर्ण ढंग नहीं है। हम लोग त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं वास्तव में। तो सही ढंग क्या है कि अगर हम लोग सीधे ही भगवान को प्रसन्न कर देंगे तो जो भी चीजें हैं वो क्या है, हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वास्तव में ये सब लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपको नहीं करनी है पूजा, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहा है उसके हृदय में मैं क्या करता हूँ, उसके लिए और श्रद्धा बढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि उसके हृदय में मैं वो श्रद्धा बढ़ा देता हूँ, जिससे कि उस देवी देवता के प्रति उसका प्रेम और ज्यादा बढ़ सके, भक्ति और ज्यादा बढ़ सके, और वास्तव में हमें ये ज्ञान प्राप्त हो सके कि हमें क्या मांगना है उनसे। तो हमें ये मांगना है कि हमें क्या करो, कि हमें भगवान की भक्ति प्रदान कर दो, जिससे कि हम क्या कर सके, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। तो ये सही ढंग है। तो ये ढंग हमें कब प्राप्त होता है, जब भगवान स्वयं हमारी श्रद्धा और ज्यादा विकसित कर देते हैं उनके प्रति, और फिर हम लोग क्या करते हैं, और अच्छे तरीके से उनकी भक्ति करके उनसे सही तरीके से चीजों को मांग के भगवान के प्रति में हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। बुद्धि ही मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है, वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। देखिए वास्तव में होता क्या है कि सबको क्या लगता है कि 5,000 साल पहले ही भगवान ने जन्म लिया है, तब उनको जो है शरीर मिला है। पहले शरीर नहीं था, पहले तो ब्रह्म ज्योति थी बस, पहले भगवान निराकार थे, सब लोग ये जानते हैं। भगवान बता रहे हैं उनको क्या बोल रहा है, उनको क्या बोला जा रहा है भगवान द्वारा, बुद्धिहीन। वो बुद्धिहीन है जो कि ये समझते हैं कि मैं पहले निराकार था और मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपना आकार लिया। नहीं, तो भगवान हमेशा से ही साकार रूप में बने हुए हैं, और भगवान ने इस चीज की पुष्टि कर दी है पहले ही कि मैं हर युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, इस धर्म का जो है क्या करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के, विनाशों का दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो भगवान स्वयं इस चीज की पुष्टि चौथे अध्याय में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, भगवान को निराकार समझते हैं। वो सोचते हैं कि पहले भगवान निराकार थे, अभी भगवान ने आकार लिया है।
और इससे हो क्या का इससे ये कैसे हो पाता है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, बुद्धि नहीं है, अल्प ज्ञानी है, और उसी के कारण से वो भगवान की किसी भी तरीके की प्रकृति को वो नहीं समझ पाते। और होता क्या है फिर भगवान क्या होता है कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। फिर वो कितना भी कोशिश कर ले, कभी भगवान उनको दिखाई ही नहीं देंगे, उनको जो दिखना देखना है वही दिखे। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित यानी ढका हुआ रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो वास्तव में क्या होता है कि वास्तव में 11वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि भगवान के शरीर से जो निकलने वाला तेज है उसकी 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 रोशनी इतनी खतरनाक है, इतनी तेज है कि और कुछ नहीं दिख पाता व्यक्ति को। तो जो अल्प ज्ञानी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, उनको सिर्फ वही दिखता है, क्योंकि उसके पीछे जो है जिससे कि भगवान ढके हुए हैं वो नहीं दिखता। भगवान क्या करते हैं, अपने आप को ढक लेते। क्यों? क्योंकि ये लोग जिस प्रकार से देखना चाहते हैं उसी प्रकार से उनको दिखाते हैं। भगवान बताते हैं ये माम ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तदेव भजामि। हम जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उस भाव से उसको क्या करता हूँ, अपनी कृपा प्रदान करता हूँ। तो बस ये लोग जो है भगवान के तेज को देखना चाहते हैं, तो भगवान भी अपने तेज को दिखाते हैं। तो वो कभी भी भगवान की जन्म को और अविनाशी व भगवान के प्रकृति को, जन्म कर्म की प्रकृति को नहीं समझ पाते, भगवान को अजन्मा और अविनाशी नहीं जान पाते। हे अर्जुन, शिव भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि भगवान सबका कारण स्वरूप है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जो हो चुका है, जो होने वाला है, जो होगा, सब जानता हूं मैं, सारे प्राणियों को भी जानता हूं, लेकिन सभी लोग मुझे नहीं जान पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण ही हमारी ज्ञानता है, हमारे अंदर जो अज्ञानता बसा। तेषां तंतुगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां हे ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां निर्विवता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन यानी समाप्त हो चुका है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो देखिए, वास्तव में ये जो संसार है ये द्वंद्वों से बना हुआ है। द्वंद्व मतलब क्या? लाभ हानि, अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, मान अपमान, आदर अनादर, ये सब द्वंद्व है और हम लोग इन द्वंद्वों में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर है झूठा अहंकार। हम लोग को लगता है कि हम सबसे जो है सम्मानित व्यक्ति है संसार के, हमारा जो है आदर होना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए। हमें कोई मूर्ख बोल देता है तो हमें क्या चोट पहुंच जाती है कि मैं मूर्ख, इसने कैसे बोल दिया। तो ये सब चीजें क्यों हो पाती है? क्यों? क्योंकि हम लोग अहंकार में है। हम लोग मानते हैं कि हम ही जो है क्या है एंजॉय है, परम भोक्ता है संसार, लेकिन ऐसा नहीं। जो व्यक्ति के जो पूर्व जन्मों के जो भी अच्छे कर्म है उसके फल जो है वो समाप्त हो जाते हैं, बुरे कर्म वो भी समाप्त हो जाते हैं, तब जाके वो क्या होता है कि इन द्वंद्वों से मुक्त हो, और वो क्या करता है फिर भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाता है। और वास्तव में अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में एक बार तत्पर हो गया तो वो क्या धीरे 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 इन सारी द्वंद्वों से जो है वो क्या छुटकारा, उसके लिए डिफिकल्ट नहीं होता, अभ्यास करता है, अभ्यास करता रहेगा तो वो क्या करेगा इन द्वंद्वों से मुक्त होता रहेगा, उसे किसी भी तरीके के द्वंद्व जो है वो परेशान नहीं करेंगे। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवता तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हुए अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं। तो देखिए, भगवान ने आपने पढ़ा होगा 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने बोला है कि भूतानां यज्ञं सर्वलोकमहेश्वरं सूरिदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं यच्छति। भगवान बोल रहे हैं कि अगर इस भौतिक संसार में हमें अगर शांति प्राप्त करनी है, दुखों से शांति प्राप्त करनी है, तो कैसे कर पाएंगे हम? भगवान 3 सूत्र बताए, शांति सूत्र। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसा, सारे यज्ञों का, सारी तपस्याओं का, जितनी भी इस संसार में एंजॉयमेंट के लिए चीजें हैं, सबका भोक्ता कौन है? मुझे मानो। तो अगर हम लोग भगवान को ही परम एंजॉयर मान के काम करेंगे तो कोई किसी भी तरीके का दुख हमें नहीं झेलना।
दूसरी चीज बोल रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के सारे देवी देवताओं के परमेश्वर भगवान को अगर जान के हम लोग कार्य करेंगे वो भी हमें किसी प्रकार का दुख परेशान नहीं करेगा। और तीसरी चीज है सूर्यदम सर्वभूतानाम, अगर हम भगवान को परम हितैषी मानते हैं, क्योंकि भगवान हमारे परम हितैषी हैं, हमारे परम मित्र हैं, तो हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमारे हित में नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ हमारे हित के लिए ही होता है, उसमें कहीं भी हमारा नुकसान नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा नुकसान है, लेकिन वास्तव में वो आगे चल के कहीं ना कहीं जो है वो हमारे फायदे के लिए होता है, क्योंकि हम लोग अपना जो भी प्लानिंग करते हैं वो अपने प्रेजेंट के हिसाब से करते हैं, और भगवान जो भी प्लानिंग करते हैं वो सब हमारे फ्यूचर के हिसाब से होता है। तो ये चीज हम समझ नहीं पाते, और उसमें क्या होता है उसमें हम लोग अपने आप को ही क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे प्लानिंग भगवान की प्लानिंग से श्रेष्ठ है, हमें लगता है कि हमारी बुद्धि भगवान की बुद्धि से श्रेष्ठ है, जो कि एक तरीके से क्या है, मूर्खता है। और उसी के कारण हम लोग क्या करते हैं इस संसार में घूमते रह जाते हैं, इस दुख को जो है झेलते रहते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई मुझमें मुझे जगत का देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का अगर नियामक मान ले, कंट्रोलर मान ले, और फिर कार्य करेगा, तो वो मृत्यु के समय भी क्या करेगा वो मुझे जान पाए। तो भगवान मृत्यु के बाद एकदम से कैसे कर दिए, जो कल का अध्याय है वो मृत्यु के बारे में, इसलिए भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेस बनाने के लिए ये चीज बताए कि मृत्यु के समय भी तुम मुझे जान सकते हो, लेकिन कैसे जान सकते हो वो कल पता चले। प्रभुपाद जी बताते हैं ये सातवां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इसमें मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है, साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और ये समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, इसका सदुपयोग परमेश्वर के अहित की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो जैसे कि हमने देखा इसमें भगवान ने अपनी प्रकृति के बारे में बताया, और क्या होता है कि जब जीवात्मा शरीर के संपर्क में आता है तो वो अपनी प्रकृति, अपनी दिव्य प्रकृति यानी कि अपने स्वभाव को भूल जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है कि वो आत्मा है, और वो क्या मान बैठता है कि अपने आप को शरीर मान के इस भौतिक संसाधनों का क्या है वो करने में जुट जाता है। लेकिन अगर इसी शरीर के साथ में अगर हम लोग भक्तों के संग में जाके कार्य करते हैं, भक्तों के संग में जाके अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में हमारे लिए क्या हो जाएगा, सुगम रास्ता मिल जाएगा, हम आसानी से अपने आप को प्रगति करवा पाएंगे इस मार्ग में। और उससे होगा क्या, उससे हम लोग अपने वास्तविक स्वरूप को फिर से समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। इसमें हमने सबसे पहले देखा कि भगवान ने अपने ज्ञान की महिमा के बारे में बताया, उसके बाद फिर अपनी शक्तियों के बारे में बताया, उसके बाद फिर कैसे हम लोग समर्पण कर सकते हैं भगवान को वो बताया उन्होंने, उसके बाद कैसे देवी देवताओं की हम लोग पूजा कर रहे हैं त्रुटिपूर्ण ढंग से और किस प्रकार से करनी चाहिए ये बताया, और अंत में भगवान ने बताया कि कैसे कौन सी भ्रांति के कारण हम लोग क्या है भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन भ्रांति को दूर करके तो भगवान ने हमें ये ज्ञान प्रदान किया। हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है।